झूली आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। एक तरफ जहां बिहार में शराबबंदी को लेकर के पुलिस ने सख्त रवैया अपनाया हुआ है, लगातार एक के बाद एक छापेमारी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक जगहों से भारी मात्रा में शराब बरामद की जा रही है। ताज़ा मामला पटना के विक्रम विधानसभा क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस ने दो गांव में रेड मारी और वहां पर भारी मात्रा में शराब बरामद हुआ है। थाना अध्यक्ष दिलीप कुमार ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। जी, मैंने सूचना प्राप्त हुआ था कि सुंदरपुर चौथिया आज़ाद नगर एवं मनेर तिलपा मुसहरी में कुछ लोगों द्वारा ये अवैध रूप से महुआ दारू चुलाया जाता है। इस सूचना पर तुरंत प्राथमिकता के आधार पर हम लोग छापामारी किए हैं। सैकड़ों लीटर वहाँ पे हम लोग विनष्ट किए हैं और जब भी कभी सूचना मिलेगा तो हम लोग प्राथमिकता के आधार पर शराबबंदी नीति लागू करने के लिए तत्पर हैं और कार्रवाई करेंगे। इसी कड़ी में कल भी हम लोग शराब के नशे में दो व्यक्ति को पकड़े थे, जिन्हें न्यायिक हिरासत में अभिशाप किया जा चुका है। एक अहियापुर का था, एक शर्मा भसारा का था। हालांकि बिहार में तो शराबबंदी है सर, लेकिन इतना ज़्यादा शराब बरामद किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठता है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उठा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन और मंत्री विधायक का मिलीभगत से बिहार में शराब बढ़ रहा है और मिल रहा है, होम डिलीवरी भी हो रहा है, क्या लगता है सर? ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग तत्पर हैं। अच्छा, किसी भी प्रकार का सूचना मिलने पर क्योंकि एक्शन में हम लोग प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं और करेंगे। गिरफ्तारी भी इसमें? हाँ, ये अहियापुर में आज एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, 40 लीटर देसी महुआ शराब है और एक शर्मा भसारा में है, जो पूर्व से भी उनका शिकायत रहा है, ये होम डिलीवरी के रूप में काम करते हैं, ये शराब बंदी नीति को वो उल्लंघन कर रहे थे। अच्छा, तो उन्हें भी हम लोग प्राथमिकता के आधार पर सूचना प्राप्त तुरंत अरेस्ट कर आज दोनों को न्यायिक हिरासत में शायद कर दिया और हम लोग लगातार इस पर निगरानी भी रख रहे हैं। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि कितनी भारी मात्रा में यहाँ से शराब बरामद हुआ। आपको बता दें कि जब से नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक के बाद कहा था कि जिस भी थाना क्षेत्र में शराब बरामद होगी वहाँ के पुलिस कर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसके बाद से लगातार पुलिस प्रशासन शराबबंदी को लेकर के काफ़ी गंभीर हो गया है। एक के बाद एक छापेमारी हो रही है और इस दौरान विक्रम विधानसभा क्षेत्र के दो गांवों से 80 लीटर देसी शराब बरामद हुआ है, जो कि हमने आपको इस वीडियो में दिखाया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इसी तरीके की और भी कई खबरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। अगर आप उन खबरों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कर दें। अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।